आईपीएल 2023 के टीमों के ऊपर ना, हर एक टीमों के ऊपर मैं डेली बेसिस पर वीडियो रेडी कर रहा हूँ कि हर एक टीमों का की प्लेयर्स क्या बन सकता है, जो कि मेरे मुंबई के ओर से की प्लेयर बताना हो गया है। उसके साथ अगर बात करें एसर रिजवी, सनराइजर हैदराबाद, केकेआर, इन दोनों टीमों के बीच में भी की प्लेयर बताना हो चुका है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले होंगे आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का की प्लेयर कौन कौन सा खिलाड़ी बन सकता है 2023 के आईपीएल में, जो कि हम लोग अगर स्टैट्स का ज्ञान पहले ना, जो कि स्टैट्स का ज्ञान हर एक वीडियो पर पहला जाता है, तो इसी की वजह से स्टैटिस्टिकली भी बताएंगे कि 2022 के आईपीएल के स्टैट्स के वाइज 2023 में कौन कौन सा खिलाड़ी बेहतर कर सकता है, लेकिन करंट फॉर्म भी देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एकदम से स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे पहचान लो, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो एडी क्रिकेट न्यूज। अगर मेरा ये सब वीडियो आप सभी लोगों को कहीं से भी थोड़ा सा भी पसंद आता है ना, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर प्रेस कर दो और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर शेयर दबा दो, क्योंकि आप सभी लोगों का सपोर्ट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है और आप सभी लोगों का सब्सक्राइब करना भी सबसे ज्यादा जरूरी है, तो जरूर से सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो को एकदम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बताऊं ना, तो मैं टोटल 5 खिलाड़ी को एज ए की प्लेयर के तहत तो भाई रखना चाहूंगा, लेकिन इस टीम की ओर से ना और एक खिलाड़ी का मैं नाम बताऊंगा जो कि अगर ठीक ठाक लाइन में रहता है ना, तो वो खिलाड़ी की प्लेयर से भी ऊपर वाला अगर कोई भी रोल होता है तो वो खिलाड़ी बन जाएगा। और की प्लेयर मैं किस बेसिस पर बता रहा हूँ कि जो 5 खिलाड़ी या फिर 6 खिलाड़ी का नाम मैं नाम बताने वाला हूँ, तो जो 6 खिलाड़ी को सबसे पहले ऑप्शन पर रहेगा, टीम में रहने का दावेदार रहेगा, और उनके ऊपर बेस करके ही टीम को रेडी किया जाएगा, तो वो मैं बेसिकली बता रहा हूँ की प्लेयर के रूप में। ठीक है, तो इस वीडियो पर मेरा डेफिनेशन की प्लेयर का यही है। तो चलिए वीडियो एकदम से स्टार्ट करते हैं। तो और एक बात ना, मैं की प्लेयर के नाम लेने से पहले बता देना चाहूंगा कि बहुत ऐसा खिलाड़ी है ना जिनका झलकी हमें देखने को मिला है, या फिर जिनका नाम बहुत बड़ा है, या फिर जिनका ओहदा भी बहुत बड़ा है, लेकिन मैं उन सब खिलाड़ी का भी नाम नहीं ले पाया हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि उन सब खिलाड़ी से ज्यादा बेटर परफॉर्मर मैं जिन खिलाड़ी का नाम लिया वो सब खिलाड़ी है। ठीक, तो आप देखो कौन कौन सा खिलाड़ी का नाम आता है। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा ना ग्लेन मैक्सवेल का मैं नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का एक सबसे बड़ा खिलाड़ी है ग्लेन मैक्सवेल। और आप ना उनका स्टेटस भी देख सकते हो 2022 का, उसके बाद बात करेंगे, टोटल 13 मैच खेला था, 301 रन किया था, एवरेज था 27.36 का, स्ट्राइक रेट 169 का स्ट्राइक रेट। और इसी की वजह से ये खिलाड़ी की प्लेयर के अलावा और किसी प्लेयर या फिर ऑर्डिनरी प्लेयर में नहीं गिनता हूँ। ये स्ट्राइक रेट के वजह से ही ना मैं इस खिलाड़ी को ऑर्डिनरी खिलाड़ी के जैसा नहीं ट्रीट करूंगा, क्योंकि इस खिलाड़ी के पास जो पोटेंशियल है ना, अकेले के दम पर मैच को घुमा सकता है, अकेले के दम पर मैच को इधर से ना इधर तक ला जा सकता है। तो इसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल इज बेटर चॉइस। सबसे बड़ा की प्लेयर अगर बताया जाए इस टीम का, अगर गेम चेंजिंग की प्लेयर बताया जाए, तो ये खिलाड़ी को आप गेम चेंजिंग वाला की प्लेयर बता सकते हो, क्योंकि इसके पास जो पोटेंशियल है ना वो इस टीम में बहुत कम खिलाड़ी के पास है। हालांकि परफॉर्मेंस ज़्यादा कॉन्सिस्टेंटली तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि मान ले जाएगा और आउट हो गई, तो इसी की वजह से हमें मतलब इनका साथ नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये बेहतर की प्लेयर बनने वाला है 2023 में भी। ठीक है, उसके बाद मैं जिस खिलाड़ी का नाम लेने वाला हूँ ना, वो खिलाड़ी है इस टीम का ये और एक नीचे खेलने वाला खिलाड़ी, जो कि दिनेश कार्तिक को मैं डेफिनेटली क्यों की प्लेयर बता रहा हूँ, उसके बारे में मुझे आई थिंक ज़्यादा डेफिनेशन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी लोग पता है कि 2022 में ये बार में जैसे तरीके से खेला है, उसके बाद जैसे तरीके से टीम इंडिया पे उनका सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद टीम इंडिया की ओर से जैसे तरीके से खेला है ना, तो इस खिलाड़ी को मैं डेफिनेटली 2023 में भी एक बेहतर खिलाड़ी के रूप में देख रहा हूँ आरसीबी की ओर से, और मेन चॉइस की प्लेयर पे या फिर टॉप 5 की प्लेयर में ये खिलाड़ी भी विराजमान करे, ये खिलाड़ी भी ना रहेगा। तो आप इनका स्टैट्स देख लो लास्टली, ये खिलाड़ी टोटल मैच खेला था 2022 के आईपीएल में, टोटल 16 मैच, रन किया था 330, एवरेज था 55 का, स्ट्राइक रेट 183 के स्ट्राइक रेट से बंदा खेलता था, और 55 का एवरेज है। देखो डेफिनेटली अगर नॉट आउट जाता है तो एवरेज बढ़ता है, मैं हर एक वीडियो पर बताता हूँ। और एक बात कि अगर वो खिलाड़ी नॉट आउट जाता था ना, तब आप समझ रहे ना कि वो खिलाड़ी मैच को जीता कर ही नॉट आउट जा रहा है, तो ऐसा तरीके से खेल रहा था, लास्ट 4 ओवर में आता था और मैच को निकालता था, ऐसे तरीके से खेलता था ये खिलाड़ी। तो इस खिलाड़ी के पास भी बहुत ही पोटेंशियल है, ये खिलाड़ी बेस्ट चॉइस की प्लेयर में रहेगा। उसके बाद मैं जिस खिलाड़ी का नाम लेने वाला हूँ वो खिलाड़ी है वरेंडो हसरंगा। इस टीम का बहुत बड़ा की प्लेयर है, क्योंकि डेफिनेटली आप देख सकते हो इस खिलाड़ी का सबसे पहले स्टैट्स, क्योंकि ये खिलाड़ी टोटल 16 मैच खेला था 2022 के आईपीएल में, उसके बाद विकेट लिया था 26, मतलब सेकेंड हाइस्ट विकेट टेकर था
2022 का आईपीएल में, ठीक है। उसके बाद आप विक्रम भी देख सकते हो 7.54 का, जो कि बहुत ही कम है एज ए T20 गेंदबाज के लिए, बहुत ही मतलब ठीक ठाक एक इकोनॉमी है, इसमें बताने की बात नहीं है। तो इसी की वजह से मैं इनको भी एज ए की प्लेयर की तहदी देखता हूँ। इनके पास बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, जिसकी वजह से ये खिलाड़ी ना हर एक पिच में कारगर साबित होता है, और श्रीलंका के लिए तो भाई ये खिलाड़ी बेहतर है। तो इस खिलाड़ी को भी मैं RCB के लिए 2023 का भी की प्लेयर रखने वाला हूँ। उसके बाद मैं जिस खिलाड़ी का नाम लेने वाला हूँ, ये खिलाड़ी भी एक तेज गेंदबाज है, जो कि हर्षल पटेल। हर्षल पटेल को भी मैं डेफिनेटली इस टीम का एक की प्लेयर की तहदी रखूंगा, क्योंकि इस खिलाड़ी के पास भी ना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये खिलाड़ी भाई ऐसे तरीके से स्लोअर डालता है, ऐसे तरीके से यॉर्कर डालता है ना भाई, मतलब कोई भी सिचुएशन दे दो, कितना भी रन लगा दो, ये खिलाड़ी डिफेंड करके दिखा देगा। ऐसा तरीके से ये खिलाड़ी गेंदबाजी करता है। तो आप इनका स्टैट्स देख सकते हो, टोटल 15 मैच खेला था, विकेट दिया था 19, इकोनॉमी था 7.66 का। क्रूशियल मोमेंट में आकर ये खिलाड़ी विकेट चटकाता था या फिर रन नहीं खाता था, ऐसा तरीके से ये खिलाड़ी गेंदबाजी करता था। तो इसकी वजह से ये खिलाड़ी भी एक की प्लेयर के रूप में रहेगा इस टीम में, यानी RCB की टीम में। उसके बाद 5 नंबर के पोजिशन पर या फिर 5 नंबर वाला की प्लेयर मैं रखना चाहूंगा जॉस हेजलवुड को, क्योंकि इस खिलाड़ी के पास भी ना बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग क्षमता है, मतलब ये खिलाड़ी एज ए विकेट टेकर आप इनको बता सकते हो, क्योंकि ये खिलाड़ी 2022 के आईपीएल में ना टोटल 12 मैच खेला था। 12 मैच में ना आप लोग गेस करो कि विकेट कितना लिया था, गेस करके सबसे पहले कमेंट बताओ, उसके बाद देखना आंसर था ठीक रहे बैठता है क्या। तो 12 मैच खेलकर ये खिलाड़ी विकेट लिया था 20, उनमें से इकोनॉमी है 8.11 का, थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन विकेट टेकर है। तो इसकी वजह से इनको भी आप की प्लेयर की तरह रख सकते हो। तो मैं टोटल लिस्ट की अगर बात करें, देखो हर टीम की ओर से मैं 5 खिलाड़ी का नाम बताया, लेकिन RCB के लिस्ट में मैं पहले ही बता दिया था कि 6 नंबर का नाम भी बताऊंगा। तो ये खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी है ना, जो कि अगर ठीक ठाक लाइन में रहता है तो ये खिलाड़ी सुपरस्टार। अगर सुपरस्टार के बारे में बात करें तो सुपरस्टार कौन है इस टीम का, वो है विराट द रन मशीन कोहली। इसमें बताने की बात नहीं है, सपोर्ट अगर सपोर्टर्स लोग करता है ना, तो भाई उनके दिल में विराट कोहली इधर बसता है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं भी डेफिनेटली बताना चाहूँगा कि अगर ये खिलाड़ी थोड़ा सा भी लय में रहता है तो ये खिलाड़ी हर मैच में रन करेगा, और जो खिलाड़ी हर मैच में रन करता है ना, वो खिलाड़ी को आप अगर की प्लेयर नहीं बताओगे तो किसको की प्लेयर बताओगे। तो मैं डेफिनेटली इनको भी एज ए की प्लेयर की तरह रखना चाहूँगा। और ये अगर किसी भी टीम का नीप के बारे में बात करें ना, तो इस टीम का नीप सेट होता है विराट कोहली को ओपनिंग में रखकर, या फिर आप किसी भी पोजीशन पर रख दो 3 नंबर या फिर ओपनिंग, विराट कोहली रहेगा ही रहेगा। हालांकि मैं बहुत सारा खिलाड़ी का नाम नहीं बताया हूँ, जैसा कि रजत पाटीदार, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दिया था इनका, आप स्टैट्स भी सर्च करके देख सकते हो गूगल पर, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन स्टैट्स है। उसके बाद मैं फैब डुप्लेसिस को भी नहीं इंक्लूड किया, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला है, लेकिन फिर भी मैं उनका नाम नहीं ले पाया एज ए की प्लेयर के तहत। उसके बाद अगर आप देखने को जाओ ना, तो अगर ओवरऑल अगर टीम के बारे में बात करें ना, तो ये ओवरऑल टीम RCB का टीम बेहतर, इसमें कोई भी इंक्लूडेशन की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं है, कोई भी खिलाड़ी को बाहर भेज देने का भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ जगह पर ज़रूरत है, उसके ऊपर मैं वीडियो निकाल चुका हूँ, वो अगर अभी तक नहीं देखो जाकर देख सकते हो, आई बटन पर दे दूंगा, RCB का टारगेटेड लिस्ट के ऊपर वीडियो है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर से कमेंट कर बताओ। ऐसा ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और ऐसा ही वीडियो रेगुलर बेसिस पर आता ही रहेगा इस चैनल पर। तो उसी की वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है, लाइक करने के बाद बताना ही भूल गया। तो बोले इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।